ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म को कई देशों में शूट किया गया है और फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल के पोर्टो में एक बेहद हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए शहर में मेन ब्रिज को 2 दिनों तक बंद करना पड़ा था। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के बयान में कहा गया, हमने एक बेहद हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस ऋतिक और टाइगर के बीच पोर्टो में प्लान किया था। इस सीन में टाइगर ऋतिक का पीछा करता है और इस हाई प्रोफाइल सीक्वेंस के चलते हमें पोर्ट के मेन ब्रिज को 2 दिनों तक बंद करने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ी थी। आपको बता दें कि आनंद ने कहा कि स्थानीय प्रशासन हमारे कास्ट और क्रू के साथ काफी सपोर्टिव था। हमें इस धमाकेदार सीन को शूट करने के लिए क्लियरेंस मिल गया था। हालांकि स्थानीय लोग काफी हैरान थे, उन्होंने कभी अपने शहर को लॉकडाउन हालातों में नहीं देखा था और वे काफी उत्सुक थे कि आखिर हो क्या रहा है और वे देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सी फिल्म है जिसके चलते उनका ब्रिज लॉक कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, लोगों की प्रतिक्रियाएं अद्भुत थी क्योंकि वे ऋतिक और टाइगर के एक्शन स्टंट्स देखकर काफी अचंभित महसूस कर रहे थे। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है।